हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यजीत कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जयशंकर प्रसाद शर्मा के चैनल में। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नरेशन के जनरल रूल्स के फर्स्ट पार्ट को बताया था। आज मैं आपको इस वीडियो में उसके आगे के पार्ट्स को बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको नरेशन के जनरल रूल्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस के बारे में जानेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये आप सोचेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। तो इसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी नरेशन पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे वहाँ से देख लें। अब हम उसके कुछ नियम को जान लेते हैं। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात रिपोर्टेड वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज आई विल गो, डायरेक्ट स्पीच। राम सेज दैट ही विल गो, इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है राम सेज, ये प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ जब हम इनडायरेक्ट बनाए। डायरेक्ट में भी राम सेज ही रहा, और इनडायरेक्ट में भी यदि बनाए हमने तो राम सेज ही रहा। दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो भी रिपोर्टेड वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल, राम विल से आई गो, डायरेक्ट। राम विल से दैट ही विल गो। यहाँ पर राम विल से जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, वो फ्यूचर में है, लेकिन जब हमने इनडायरेक्ट बनाया तो इसमें भी राम विल से ही रहा, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसमें चेंज होता है। तो अब हम देखेंगे कि वो चेंज किस तरह से होता है। तो अब बात करते हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में रहता है तो इन्वर्टेड कॉमा में जो इनडायरेक्ट में चेंज होता है वह किस टेंस में होता है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में बोले कि चेंज नहीं होगा, फिर बोल रहे हैं अभी चेंज होगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के मैंने रिपोर्टिंग वर्ब का बात किया था, यहाँ पर बात हो रहा है पास्ट टेंस के रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा यहाँ पर इस केस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वह सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। और चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे कि पास्ट टेंस जब डायरेक्ट स्पीच में होगा तो उससे कैसे चेंज करेंगे। तो पास्ट टेंस जब डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो उसमें जब चेंज आएंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस जब चेंज होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस जब चेंज होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नो चेंज होगा। तो अब हम इसके एक्सेप्शन रूल के बारे में जान लेते हैं। इसका मात्र एक ही एक्सेप्शन है, तो देखते हैं क्या है वो एक्सेप्शन। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसा कोई स्टेटमेंट रहे जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि जिसे बदला नहीं जा सकता है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में रहने के बाद भी कोई चेंज उसमें नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द अर्थ इज राउंड, इट इज़ इन द डायरेक्ट स्पीच। उसने कहा कि अर्थ गोल है,
तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड दैट दी अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पे चूंकि द अर्थ इज राउंड एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको जब हमने इनडायरेक्ट बनाया तो एज इट इज लिख दिए द अर्थ ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अब हम जनरल रूल के थर्ड और अंतिम पार्ट को जानेंगे जो है चेंज ऑफ अदर पार्ट। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी नियरनेस सूचक शब्द होते हैं, नियरनेस सूचक वर्ड होते हैं, जो वर्ड निकटता को दिखाते हैं, वे सब के सब इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी को दर्शाते हैं, यानी कि डिस्टेंस सूचक वर्ड में बदल जाते हैं। तो देखते हैं कैसे बदलते हैं। डायरेक्ट में जब दिस रहता है तो वो दैट में बदल जाता है जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। दिस जो होता है वह दोज में बदल जाता है, हेयर देयर में बदल जाता है, हेंस देंस में बदल जाता है, नाउ जो है वो देन में बदल जाता है, दस जो है वो सो में बदल जाता है, टुडे यस्टरडे में चेंज हो जाता है, सॉरी टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है, यस्टरडे द डे बिफोर में चेंज हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, और इसी तरह जितने भी चेंज होते हैं वो सभी होते रहते हैं, हो जाते हैं एक से दूसरे में, यानी कि जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सब डिस्टेंस दिखाते हैं, डिस्टेंस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको नरेशन के स्पेशल रूल्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, यदि अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको आगे सुधार सकें। धन्यवाद।